नसुलागंज लाड़ कोई चार दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़े बेटी कार्तिकेय चौहान। कार्तिकेय चौहान ने खेल मैदान में बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। लाड़कोई खेल मैदान में अपने दादा दादी की याद में बुधनी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट। मिले क्रिकेट टीमों से लाड़कोई में भाजपा नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट बुधनी विधानसभा क्षेत्र के समस्त युवाओं को खेल स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता के लिए उनके विकास के लिए प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को खेलों के प्रति सुहावना अवसर देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने माता पिता एवं उनके पुत्र कार्तिकेय चौहान अपने दादा दादी के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट करवाकर बुधनी क्षेत्र की हर एक पंचायतों के युवाओं को एवं गांवों में छिपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें प्रथम इनाम 1,51,000 रुपए, द्वितीय इनाम 1,00,000 रुपए एवं तृतीय पुरस्कार 51,000 रुपए के साथ ही मैन ऑफ द मैच पुरस्कार, मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन पुरस्कार प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। लाड़कोई से पीयूष बागवान की रिपोर्ट। और ओ हो लग रहा था कि गेंद शायद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी, लेकिन गेंद बीच मैदान में ही रुक गई और फील्डर के द्वारा काफी शानदार कैच लपका गया और इसी के साथ चिदगांव की टीम को एक और झटका दिया है बाजोर की टीम ने और इसी के साथ चार विकेट के पतन के पश्चात टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 35 रन। आप सब युवा जब क्रिकेट देखने आए तो कुछ युवा ऐसे भी होंगे जो अन्य क्षेत्र में प्रतिभाशाली होंगे, पढ़ने लिखने में अच्छे होंगे, तो उन लोगों के लिए हमने कॉलेज काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग की व्यवस्था नसीलागंज में करी है 14 तारीख से 21 तारीख, ताकि वे भी आए क्रिकेट खेले, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखें कि अपने भविष्य के साथ वो क्या बेहतर कर सकते हैं। हमने ये भी फैसला किया है माननीय कलेक्टर साहब से बात करके, जिला प्रशासन से बात करके, अलग अलग कंपनियों को नसुलागंज में हम आमंत्रित करें 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हम एक शिविर लगाएं और इस शिविर के माध्यम से कम 500 प्लेसमेंट अपने क्षेत्र के युवाओं को, 500 नौकरियां अपने क्षेत्र के युवाओं को देने का काम करें, ये हमने फैसला किया। क्योंकि हमारा उद्देश्य है हम केवल क्रिकेट नहीं खिलाना चाहते, क्रिकेट की एक प्रतिभा है, लेकिन कुछ लोग खेलने में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं। हम इन पढ़ने लिखने वालों को कहना चाहते हैं, जिस प्रकार हम खेल आयोजन कर रहे हैं उस प्रकार अध्यक्ष जी साल में हमारी विधानसभा में हर प्रकार के आयोजन, मतलब एक हमारा क्विज आयोजन भी होना चाहिए जिसमें जो दिमाग से तेज है उन लोगों को हम प्रोत्साहित करने का काम करें, जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, जो अपने कक्षा 11वीं 10वीं 12वीं में 80%, 95% से ऊपर अंक लेकर आते हैं, इन लोगों के भविष्य की चिंता हमें करनी है, इसलिए इसकी भी योजना हम बनाएंगे। और एक युवा होने के नाते मेरे युवा साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र तो है ही, लेकिन ये हम सबका क्षेत्र भी, और इसको बेहतर बनाने के लिए जो भी हमसे संभव होगा, सरकार एक जगह अपना काम करती रहेगी, रोड पुल पुलिया सड़कें बनाती रहेगी, वो सरकार का काम अलग चलता रहेगा, लेकिन हमसे जितना बन सके अपने युवा साथियों के कल्याण के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, इस चिंता में हम लगे रहेंगे। अभी मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मैं सभी टीमों को बधाई देना चाहता हूँ, आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना भव्य आयोजन आप सबने यहाँ पे किया, सभी पंचायत की टीमों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी को मैं आमंत्रित भी करना चाहता हूँ। देखिए अभी तो हमने केवल क्वालिफाइंग मैचेस खेले, लेकिन 14 तारीख से भव्य आयोजन हम करने का काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी छोटी छोटी पंचायत की टीमें भी जब खेलेंगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो कोई लोकल आयोजन नहीं बल्कि आईपीएल में खेल रही हो, आईपीएल के स्तर का आयोजन हम करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।